अशून्या कविता वीथि शंकरेण सनातनी यथा स्वयं शंकरेण शंकरवर्येण ते क्षमताम तान प्रति अस्मिन अस्मिन अस्यां चर्चायाम केवलम एक वचनस्य प्रयोग करिष्यते यत् प्रायः न क्रियते मया, मया। शंकरवर्येण स्वयं स्वयं स्वयमेव स्वकीये चर्चा विषये एतत् कथितमासीत् त्रिप्रकारकता द्योतिता आसीत् कवीना आधुनिक संस्कृत तत्र का काचित वर्तते अस्माकं पारंपरिकी संस्कृत कविता परंपरा संस्क। या सनातनी इति मैं कथिता वर्तते अत्र अहम स्वीया चर्चाया वक्त विवक्षा या अस्माकं अधिक वर्ष प्राचीना संस्कृत कविता परंपरा आसीत सा दैव दुर्विपाकात् किञ्चित हसमानः सति सीदति यथा पश्यामः वयम् आधुनिके काले ये कवयः विद्यन्ते केचन तेपि तत्र पच तस्मिन् मार्गे चलितुं न पारयन्ति केचिन् न पारयन्ति केचिन् निच्छन्ति केचिद इच्छन्तोपि न गच्छन्ति तरह अस्मिन काले केवलम एक कवि तथा दृश्यते से यह सर्वथा सर्वप्रकारेण प्रकारेण अस, सनातनी अ, कविता विधि ये न अशून्य सर्वथा यह तस्मिन् चलितुम् तस्य तस्मिन् वर्तितुम् समर्थः विद्यते तरी वाकिभति महाकसहसर्षव्याताचन संस्कृत साहित्य काचि सनातनींपरा विता या परंपरा भारतवर्ष से कोणे कोणे कृतवसति कवयित्रि सा चिपरीचिता शैली दैवुर्विपका शनैशन क्षीणा सती अध्यापनाषु उपयुज्यना सती, सर्जना, सतीजना सर्जनायां तनुतर प्रयोग विषया सज्जाते येशु तथा कथित कविषु सर्वविधा रीतिगता विसंष्टुलता दृश्यते नवीन भाव मिषा भावना दारिद्र्यं विलसति, प्राचां छंदसा त्यागन निश्छंदस् नृत्य चिंतनवाचो युक्तीसद्भात्परियान तत अस्ति तत्र अस्ट हीयते येषु कवित्वमप्यस्ति कविप्यस्त नवीन प्रयोग रसिकत्वेन उत्पथम प्रतिपद्यन्ते एवं दुर्घटिते सर्वस्मिन् संस्कृत काव्यस्य यः सनातनो राजमार्गः सः प्रायः पान्थानां नितान्तमभावेन इतरैः वीथित्वेन परिणतः कदाचित् स राजमार्गः अवर्तत परन्तु अधुना यतः जन जनैः चङ्क्रमितः नास्ति सः अधुना कविता वीथित्वेन परिणतोऽस्ति दैव दुर्विपाकेन तत्रापि वीथ्यां केचन एव अङ्गुलिमेयाः गन्तुमात्मनो व्यापारयन्ति अस्मिन् वर्तमाने काले यथा वयमुत्प्रेक्षामहे सा सनातन कविता वीथी यदि चिरंतन वैभवेन केनापि सनाथिता अस्ति येन सा शून्या न स्यात् सह वर्तते शंकर राजा रामः अस्माकम् अद्यतन चर्चायाः सह नायकः अत एव अस्माकीनो विषयः अशून्या कविता वीथी शंकरेण सनातनी इति अस्मिन् काले कः एवं कवयेत् यस्मिन कवव कवयति सति रसभावार्थ कांति परिपोष समुज्ज्वला अवर्णनीय सुवर्णकृत तर्पणा विविध महार्घव भव्यभरण भूषित समस्तांगी विभिन्न छंदोगमना अविसंष्ठुलावयवतया सुशिष्टमूर्ति सरस्वती सरस्वती व सम्मुखं समुदियत यद्यपि अस्याश्चर्चायाः विषयः आधुनिक काव्यमस्ति परन्तु यदि छंदोविहीनता एव आधुनिकता यदि विषयाण् परिकता एव आधुनिकता यदि भाषिकं शैलीगत विसषुलव आधुनिकता यथा वयम आधुनिक कविषु पशा यदि एतदे आधुनिकता वर्तते। तदा सह कवि, सह कवि, कवि, एक आधुनिकता वर्त है शंक आधुनक कवि न ब्रूम तरी कीद सनातन कवि वस्तु परंपरा निष्ठ कव परंपरा मगे प्रतिष्ठि कशन एकल वर्तते तस् शैली या कदाचित वाल्मीकिना स्वीकृता आसीत् कालिदासेन अलंकृता आसीत् भारविणा सुरभिता आसीत् श्रीहर्षेण विशदृता आसी पंडितराजेन जगन्नाथेन पूजिता अभिनंदन अभिनंदता नीलकंठदीक्षिता दिना अर्वाग्भि संसेता आसी शी पूर्णतया संसेव्यते पूर्णतया स्वीकृतये एषा शैली सनातन शैली पारंपरिक शैली एकहा महान प्रश्नह समुदेह त्यस्मात अस्माकम् अस्मा, अस्मा पुरता यदि अपि वयम् आधुनिकताम् इच्छा अथवा अथवा सनातनताम् वयम् सार्वभौमिकताम् इच्छा अथवा एक अदैश्यिकताम् वस्तुतः तो अस्मा परंपरा सनातनी परंपरा वर्तते है अस्मा कविता परंपरा संस्कृत कविता परंपरा भी तथा इव, तथा इव सनातनी परंपरा वर्तते है सनातन सर्व काल व्यापक वर्त आधुनिकता वस्तुतः तो एक काल व्यापक व्यापिनी वर्त है तरी एक काल व्यापिनी व्यापिन्य वयम सर्व काल व्यापिनी सनातनता परिहां न शक्त अल्पस्थ हेतुर्बुहा तर्हि वयम शंकरम सर्वशिशष्ठं कवि कविताया मन्वहे तत्र किम कारणं सह सनातनत्वं प्रणोति अधुना स्वकीय कथने अस्यम चर्चायाम वयं कथेश्यामह यत् परंपरानिष्ठोपि संसः परंपरां विस्त्रणोति सह कदाचित तस्य विस्तारमपि करोति परंतु तथा विस्तारं न करोति यथा अपरिचयत्वमापद्येत सहतस्य महान आ, महती सफलता वर्तते वस्तुतः वस्तुतः अस्माकं परंपरा तादृशी विस्तृता प्राचीना अस्ति यत् ताम वृत्वा तस्याम तश्च विस्तारः करणीयः यदि कर, क्रियते तर्हि सह महान आ, महती सफलता अस्ति महती कृतकृत्यता क्रत्त कस्य कस्याश्चपि कवी भवति तत्र किम कारणं तत्र म, तत्र परशताः विशिष्टाह कवयः सन्ति परसःहस्रं वर्षाणि तस्य अतीतानि तत्र किञ्चि तादृशं न दृश्यते यत् कथितं नास्ति ताम परम्पराम् वृत्वा अपि यदि वयम् किञ्चि नवीनं कथयामः तत्र अस्माकं महती कृतकृत्यता क्रत महती सफलता वर्तते सा सफलता कवीन्द्रेण शंकरेण अधिगता इत, इत्यस्मात् कारणात् तस्य विशिष्टं स्थानं अद्यतनेषु तरी सनातन वयम ईहामहे शंकर तथा परंपरा निष्ठो यथा आधुनिक तात्पर्य आधुनिक ता कविताख्या तस्म वर्तमानकाले युज्य वर्तमान सह वर्तमानकाले काले वयम कामम गौणतया तम आधुनिक कवित्वेन विपदेषुम शक्नु परंतु तथा यथा आधुनिक कवय सर्वविध भाषिक भावनिक विसंष्टुलता समन्विता दृश्यन्ते तादृश आधुनिक कवि नवरतेतेसः तस्य परिचयार्थं किञ्चित् द्वयं अधुना गच्छामः अयमस्माकं कविः शंकरः एतेषाम जन्म 76 वर्षे 1920 वर्षे कर्णाशील कर्नाटकेश संजातम् एमबीबीएस डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन एम साइकोलॉजी संस्कृत विषय स्नातकोत्न अगता है अचिमेवन शोध प्रबंध इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू साइकोलॉजी ऑफ थ्री सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस फ्रॉम संस्कृत पॉलिटिक्स अस्य शिक्षाया विषय कि विशिष्ट वक्त अस्त युत संस्कृतभूमिका विरह तद्रोधिवातावरणे तिठत या ये तह नूनमें वाग्देवता परम प्रसाद प्राप्त तस्कृते एम ए उपाधिस्तु ते, तेन अनमें गृहत पर संस्कृत भाषायां संस्कृत शास्त्र विषय तेन महती आ, सफलता महती उपलब्धि अर्जिता सा नूनमेव आश्चर्याव वर्तते स्वयं कवि ही वक्ते यस्य दीपशिखाम मन्ये रक्षत्य अब्जभुवःगना दुकुलस्त्यान चलेन अलम् सजीयात् कविसत्तमः नूनम् तस्य काव्यदीपशिखाम् स्वयं अब्जभुवःगना सरस्वती दुकुलस्य अन्चलेन अलम रक्षति सा अलम् जीयात्तकारस तस्य तत्र कथा uh. सम्मेद दृष्टि की ला? दृष्टि है। हाँ, अन्य भाषा, साहित्याधिकता, नव्याकरण इन, वयम भूयांस भूयांस भुयसोजना, जना भूयसो पश्या महा ये संस्कृतम ये जानन व्याकरण वशात। पेशाम केवल व्याकरण ता आसमान अत्यंतम यथा हम जाना हम शंकर कविना भाषा सर्वापि भी साहित्य तस्मात तस्य रसोत्तरता सर्वत्र आस्तितस्य भाषा में भाषायाम परंतु यद्यपि व्याकरण मुख्य न भाषा तीन न परंतु साहित्य स्य तथा सम्यक् आलोडनम् तेन कृतम् यत् सप्रयत्नम् मनुष्यता विचित्र संस्कृति स्तत्र नोपलब्ध्यते अहम uh, व्याकरणस्य uh, छात्रः अस्मि वैयाकरणानां कश्चित् दोषः वर्तते दोषदर्शिता स ते सर्वत्र दोष दोषत्वेन दोशा एव पश्यन्ति दोष दृष्टि परास्ते भवन्ति मया अनेकेषु पदेषु शङ्करकवेः सप्रयत्नम् इतस्ततः अन्विष्टं यत् क्वचिदपि किञ्चिदपि च्युतसंस्कृतत्वम् उपलभ्येत ये हम सूचया मितम ये अत्र अत्र दोषा हवर्तते भाषा दृशा परंतु वस्तुतः क्वचित भी दोषा न दृशा न न दोषा न दृष्टा अन्यत यद्वक्तव विमर्तते अवधान कला धुरंधरो यम यत सर्वत्र देशे विशिष्ट दक्षिणे इतत प्रतितमेव इते अष्टावधानी न हविद्यंते द्वादश अधुना वधि निरुधानी अनीना इतस्य कृतिशु देवी दानवियम वर्तते देवी दानवियम चित्रकाव्यम वर्तते संस्कृत भारती तः प्रकाशितम त्रिशवर्णकेषु यत अत्र अध्यायः वर्णक रूपेण कथ्यन्ते पत्र विविध बन्ध संद्रप्तम चित्रकाव्यम वर्तते चित्रनेषधम अपिचित्रकाव्यम विशिष्टम तत्र एतद्यत समग्रतया गोमूत्रिका बन्ध भवति अत्यन्तं कठिनं कठिनः बन्धः तस्मिन् बंधे पंच सर्गात्मक चतुस्सर्गात्मक चित्रणषधम तेन संदृद्ध पंचम सर्गस्त आत्मकथापर अतीव चारु स्त्रोत्र तेन भारावतारस्तव तीका उल्लाघन ना अभी तेन विहिता स्वयं प्रेक्षा प्रतिष्ठान नि, 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 निपुण प्रागुणकम् निपुण आधुनिक विषय भाण वर्त है विषय आधुनिक वर्त अ यम पश्या महापरीक्षा तथा आधुनिक विषयाना तेन ते वर्णनम करतम यत पारंपरिकी विशिष्टता पारंपरिकी सौंदरी यद्वर्तते तत् अत्र नितरांभ भासती तद्वप परीक्षा प्रतिष्ठानेता वैद्योपहासकलिका शषजा विडंबनपरम काव्यमस्तवध्यानशृंखला हर विंशति मार्तंड मतंडदंडक नारायणी सुप्रभात नृसीह सुप्रभात एक बहूं काव्या तेन रचिता रच्यमना चाहती काल के मथुराभ्युद रच्यम का यस् वहासम यस विशिष्य वक्षा अन आंग्ल भाषाया अस्य विशारदत्व वर्तते तस्य अनुवादः अनेकेषां कवीनां काव्यानां तेन अनुवादः संस् आङ्ग्लभाषया अनुवादः संस, अनुवादः कृतः अनूद्य प्रकाशितः यत् येषु मथुराविजयः विजयं कोकिलसन्देशानयोः काव्ययोरनुवादः कृतः मङ्ख कवे कविकृतस्य श्रीकंठस्य चरितस्य अनुवादः अधुना अनेन प्रारब्धः वर्तते आयुर्वेदशास्त्रस्य भोजनकुतूहलं क्षेमकुतूहलम् इति उभयं वर्णितं

से राष्ट्रपति युवा संस्कृत विदुषे हा बाधरायण मरहती प्राथम्यमर् प्रोफेसर एम हिरियन्ना संस्कृत वर्क्स अवार्ड फॉर द बेस्ट संस्कृत पोइट ऑफ द ईयर फॉर दर्क देवी यूर उपक्रांतमस्म तत् यत, यत तत संस्कृत विश्वविद्यालय दो हजार तेरह वर्ष प्रदत्त आसी बंदंजे अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू संस्कृति प्रदत्त अचिरम सद्य अखिल भारतीय साहित्य साहित्यपरिषदा वागदेवी प्रशस्ति अस्म अदीयत अधुना वर्चला तक्रमा कबीर कृतिश कृते वैशिष्यसु तत्र आधुनिक संस्कृतका ये दोषा अत्र न अ किमस्ति सनातन संस्कृ इति साधनाय वह पथिद गृहणी एक युद्ध आधुनिक संस्कृत कविषु यदिशु विविध दृश्यते नास्ति अथ चनातन कवीना कविता कवितासु यद्वैशिष्ट्यं दृश्यते तत्सर्वमपि सर्वमपि सर्वमपि अत्र वर्तते एतद्वयं वर्णयित्वा वयम् एतद् वर्णयिष्यामः यत् तेन परम्परायां कश्चित् योगोऽपि दत्तः वर्तते न केवलं तस्य अनुकरणमात्रं कृतं यद्यपि परम्परा अस्माकीनात् तथा सौवर्णमयी वर्तते यथा तस्य तस्य केवलं पूर्णतया अनुकरणमव अन, अनुकरणमेव अनुकरणमपि अत्यन्तं श्रेयसे कल्पते तद्दुष्कर्म विवर्तते तरही पश्या महत आधुनिक कवि अथवा आधुनिक कविता नाम, नाम दोषभुयस्तम वर्तते यथा विश्रंखलित विश्रंखलित भावतीता भावा नाम स्लिष्टतम कॉम्पैक्टनेस नदर्श्यते विसंष्टुला तत्र उद्घातिनी भावतीता कविता ज़िगज़ैग भवति तत्र भावा अथ च अथ च शब्दानाम शब्दानाम मैत्री भाव पदानाम मैत्री वर्णानाम मैत्री या अस्माकं संस्कृत कवितायाः श्रेण्य संस्कृत कवितायाः क्लासिकल संस्कृत कवितायाः वैशिष्ट्यं वर्तते सा अधुना नितान्तं असद्भूता संजाता तत्र तस्मात् कारणात् निर्वीर्या इव ओजोरहिता इव दृश्यते भाषा आपीते शाम भावा ननुगामी नियस्ति तत्प्रकारणम् यत् कवयः प्रायः ये कवि अथवा कवितया ग्रहीयं दे ते एवं दृश्यते यत् पुरातन कवि नाम प्राचीना नाम कवि नाम सम्यग्दध्ययनम् गबीरमध्ये नम नकुरुवन्ति तस्मात् कारणात् नवीनानाम शब्दानाम निर्माणम् कुरुवन्ति नवीन शब्दाहः अप्रचल भावना नानुगच्छन्ति। जितने तो संस्कृति ही कहा कष्टन दोष है वर्तते आधुनिक कविशु। भावदारिद्रम यदा, यदा संस्कृत आधुनिक संस्कृत कवीन पढ़न्तु ते केवलम् विलाप प्रायः विलाप पराहाद्रिष्टं पे आस्मा कीना परंपरा तादृशीयासीत अधुना सर्वम् गतम् अथवा अथवा सदैशप प्रशंसा भवति देव देव स्वदेश प्रशंसा देव प्रशंसा तत्र एवं ना आ, वयं, वयं, आ, वयं नास्ति यत् कवितायां नागच्छेयुः परंतु काव्यत्वेन कविताम् आगच्छेयुः न केवलं विलापत्वेन सर्वमस्माकं गतम वयम वयं वयमधुना अस्माकं पार्श्वे किञ्चिदपि नास्ति इत्यादि इत्यादि कथनेन इत्यादि केवलम् अभिधया कथनेन कश्चिदपि लाभः न भवति अन्यथा सर्वमपि काव्यत्वेन आगन्तुं प्रभवति एव यथा धनंजयन कथित रम्य जुगुप्स तो मुदार मीचम स्वयं अस्मा कविना शंक आधुनिकवीना भूयसी निंदा प्रस्तुता यत्र यदूयस्व प्रदर्शित अरुचि तत्र प्रदर्शिता आवर्तति यथा तत्रा, यत्र उन्मीलक तर्थ कश्चन तत्रात् तत्रास्ति नोचितः शब्दः साधुर्यत्र तु शब्दस्तत्रार्थो नास्ति दुष्कवि निबन्धे कवितायां किं स्यात् शब्दार्थयो समूहबन्धस्यात शब्दार्थ शब्दार्थयोः पारस्परिकतास्यात् परन्तु यत्र शब्दः भवति आधुनिककवौ तत्र अ अर्थानास्ति यत्र अर्थः भवति तत्र शब्दो न भवति तत् व्यंजन अविव्यंजन अतच ते सर्वा पारंपरिक वस्तुनि पारंपरिक विभूषणानि कवितायास्तित्यजन्ति त सह परिहसन कथ कथयति शंकर कवि हि धिकस्मान धिकस्तस्मान अलंकार गुणध्वनि दुराग्रहान समस्त नवीन कवये नमः अतः शंकर कवि न केवल आधुनिकक यदि आधुनिक कवि यदि आधुनिक कविताए तादृशी ता एवस्ति परन्तु सह आधुनिक मॉडर्न सेंसेस तत्र तत्र वयं पश्य दर्शयामः यत् आधुनिकत्वं अत्र, तत्र अत्रापि कवेः शंकर कव विद्यते वयं पश्यामः किञ्चित् कानिचन उदाहरणानि तस्य काव्यस्य यत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति कथमेतत् एतत् कथम् ऊर्जस्विता ओजस्विता वर्तते तस्य काव्ये यथा छिन्नमस्तयः

एतस् अर्थस्तु दूरे तिष्ठतु केवलम् शब्देषु या ऊर्जस्विता ऊर्जस्विता ऊर्जस्वलता विद्यते सा केवलम् द्रष्टव्या अधुना जय हरिहय दिग्गजोद्दण्डशुण्डाग्रजाग्रन्नवाम्भोजनीकाशनाकापगा निर्मलोर्मिच्छटाशीकरा सङ्गशीतानुकूला निलाश्लेश सञ्जातसन्तोषहेशार वोदार दुर्वार वाजिव्रजोल्लासितस्यन्दनालोकनिःशोकलोकत्रयी को कसीमं तिनि त्रिवेदी प्रभो तेजसा दीप प्रभो इत्यत्मार्तन्ददंडकात तरह इतने स्पष्टि भवतीय तस्माकम् परंपरायाम सनातनी या कविता आसीत तस्यां कविता या ऊर्जस्विता आसीत सा ऊर्जस्विता अधूना भी शंकर कवरू व्यवस्थिता वर्त है कारण अस्मा अत्य मूल्यव मूल्यवान अस्त अत्य मौल्यमर्हतित कविता परंपरा जीवनती कथयु शक्य वस्तुतः कलात्मिका सरस्वती सरस्वत कलाकाधोभूति अस्भगेक अर्थ शव अतरामस् Uh, यथा वह पशा वह जानीमहे यंकर विविधना कलाना आगार अस्त चित्रकला नृत्यकला संगीतकला सर्वा अला सर्वा कला, नाम कला, कला, कला सर्वाह अभी तस्य कविता कविता तथा दृश्य है प्राची प्राच, प्राची संस्कृत कविता प्राचीना संस्कृत कविता आलक्ष्यगतं चित्रं इवकति भाति तथैव तस्य तस्य कविताः इतदेव परंपरा सिद्धय संस्कृत कविता सरसस्य प्रमुखो विशेषः यथा एकं अन्यत पश्यामः पद्यं प्रायः चंपकमाला छंदसि वर्ततेतत न मदमरेन्द्रमौलि मकुट उज्ज्वल रत्नमरीचि मञ्जरी मिलितपदां भुजां भजत, का, भजत कामपिकाम दुहं यदमल देह कांति कलिका मुपत्सृत उपचित सृजत संशय कुमुद मराल कुंद कुसुमेन्दु चतुर मुखा चतुर्मुख यदि चिंतयाम्य हम एता तथा तथा ऊर्जस्वला सी यथा यदि प्राचीन काव्य संग्रहेशु कश्चि प्रवेश तरी कोपि प्रत्यु ज्ञात प्रत्यज्ञात न पारे यदि का पद्या कस्यचि आधुनिक Uh, अत्र एकविंशशताब्द्यां कर्णाटे स्थितस्य कस्यचित् अन्यस्य uh, कस्यचित् आधुनिकस्य कवे रचना एतत् अत एव uh, शङ्करस्तथा सिद्धकविः अथ च पारम्परिकः कविः परम्परानिष्ठः तथा uh, अस्य केनचित् आधुनिकेन कवि कविना सह तुलाधिरोपणं भवितुमेव न शक्नोति वस्तुतः अन्याय्यमेव भविष्यति तत् uh, यथा है अस्य कवित्वे कदाचित् कालिदासो दृष्टि कदाचित् दहिनं दहा कदाचित् यथा मथुराभ्युदये कदाचित् जगन्नाथा जागर्ति कदाचित् नीलकंठ दीक्षिता हो नियते यथा वैत्योपहास कलिकां अस्य पठन्तु भवता तरही कालिदास नीलकंठ दीक्षितस्त्या कलिविदं बनम् भवताम् हटादेवा अगमिष्यति बदुन अपशमह य शंकरस्य सनातनत्वं किं अर्थात सनातन कविशु परंपारिक कविशु का विशिष्टता या पूर्व पूर्णतया शंकरकव कृत वसति हि वर्तते वर्तते सनातनिक कविता अस्मा या वर्तते तत्र आ, तत्र त्र वक्चारा विशिष्टा वग्योगा वाचो सोचोयुक्त विशिष्टा दे हेव देर ओन ईडियम्स एंड फ्रेजेस् य पिचे शक्य कविता uh, पारंपरि कविता परंपरा निष्ठा कविता एक कविता परंपरा परंपराया वाहिका वर्तते वर्त है

अथवा अयमर्क मर्कट युवा अथवा काक युवा स्मृति मुद्गिरन विशिष्टानाम विशिष्टा नाम, नाम कारणात तस्य कविता पारंपरिकी कविता सनातनी कविता कथे तुम शक्य दे अतः कवि समय नाम प्राक्तना नाम भूयस्तराम प्रयोग हा अस्ति सह आ, सह तस्य तस्य कविताम पारंपरिकीम कविताम करोति तथा मथुरा भृद्यसे कंपद्यम श्रुनुमा चिन्तुम सुन्दरम घटि तविकट घर्जना घनाली यदक्रतपूत निका निकामकाली पुरी पुरी रजनी पुरी पुरी जननी सरोजिनी नाम प्रथुक मराल विलास शून्यमंकम सरोजिनी अर्थात तत्र इत्र सरोजा सरोजनी विकसिती सा जननी ते आरोपिता तत यथा यदा घनकाल हागत्चति तदा एवं एशा कवि समय है यत मराला हराजा तादृशी घन गन, घन गन, घनाली गना, आसीत घनावली आसीत यस्या मागतायाम सति गोकुलस्या पुरि जननी जननी सरोजिनी नाम वत्साह ये आसन वत्स रूपिणो मरालाह तेषां विलासयहि जननी नाम अंकाह अंकानि शून्यानि सृजतानि अ तर्हि भूयसाम कवि समयया नाम प्रयोगह तेन प्रयोगेण वयम परिचिता भवाम यत् अस्माकं आ, इयं कविता சைவ कविता या द्विसहस्त्र वर्षेभ्यः वितरं नितराम, नितराम विलसति विलत विलसति स्म अथ च पारम्परिककवितायाः कश्चन विशेषः दृश्याङ्कनं बाह्यप्रकृतेश्चित्रणम् अनन्तरमपि वयं वदिष्यामः दृश्याङ्कनमस्ति दृश्यस् द्रिश, दृश्यविशेषस्य अक्ष्णोः पुरतः आनयनं भवति अस्माकं पारम्परिककवितायां तस्य कवितां यथा पश्यामः सजयति जयति

दुखिता कुंठिता शिव भिषा लगछति गृह सह हस्य द्रोहिणेन सर्व अक्षण पुरता आग्छति दक्षिण कचिदुत्सव का, का, वृषभदमन विशिष्य तमिलनाडु प्रदेश तस् दृश्यम कथम अने अंकित पशा धावत दुर्मदशाक्वरेन्द्र दमन स्पर्द्धा जयि हालिकः हालिकः कश्चन वर्त्तते सह वषभिन्द्रस्य दुर्मदस्य ऋषभस्य दमनं कृतवानस्ति तस्यां स्पर्धायं संजाता तस्य पश्यन्तु सर्वं दृश्यं अक्षनोः समक्ष उपस्थितं भवति धुली धूसरितो विशीर्ण वदनस्य स्यानास्त्रबिन्दु ज्वलो मुग्धाना मदनोपदेश चतुरस्कंधाधिरूढो नृणाम एष ग्रामटिकोत्सवे करगता माशंकते मेदिनीं धावद्दुर् मदशाक्वरेंद्र मनस्स्पर्धा जयी हालिकः अनिना सहैव भाषापि भी दृष्टव्या कथं सुशिष्ट भाषा वर्तते कदाचित पुत्रचितपि विसंष्ठुलता न वर्तते यथा वयम् पश्याम यत् एतत एतदेव पद्यं यति सुभाषित संग्रहेषु पुरातनेषु प्रक्षिपा महतरे कश्चित् अपि एतन्न कथयितुं शक्नोति यत् अयम् कवे कवीः रचना अस्ति तर्हि यथा सांप्रदायिकः केचन भवन्ति ग्रंथेशु प्रक्षेपं कुर्वन्ति ते अपि शंकरकविं किञ्चित् धनानि दातुं शक्नुवन्ति यत्तेषां कृते सह परन्तु यदि अयम् मनुते कृतं कृते वर्ण्य सामग्री साम्यम्

एकदवसुंदरक प्रयोग अंद्रियनमहरता क्षणा कालेन चोरहतक निद्रांधकारकूपे स्वनजे पात्यते पथिकः पथिकः पथि वर्तषि कूपे सह पात्यते चूर हतक क्षणदा कालन चूर हतक क्षण रात्रिकाल चूर वर्त है सह तर्वइंद्रियधन अप यहां श्रांत अस्त खलु सह निद्रांधकारकूपे सह पात्य है आ... हलिकवध्वा आ... वर्णन प्रोंछति आ... श्लोका सम्य दृश्य है खलु मैं चिंतीत यदता पुरतः श्लोक भविष्य तरी सम्य भविष्य हाँ श्लोका दृश्य हा हाँ प्रुंछति धारा सारैर जीर्ण पटी पटल पाति भर्जलधा वस्तुतः अस्य कवेः सर्वे अपि श्लोकाः उद्धरणीयाः सन्ति संरक्षणीयाः सन्ति मम कृते अत्यन्तम् एतत् कठिनं कार्यम् आसीत् यत् किं किं गृहणीयां किं परित्यजेयं परित्यक्तव्यं किञ्चिदपि नासीत् विरहदिनावधिरेखा सममायुरेखया हलिकबद्ध्याः वध्वाः हलिकवधु क्रोशित पतिकाया वर्तते तस् तेन पत्युः गमनानन्तरं था, कति दिवसाः अव अवशिष्टाः इति इत्यस्य कृते धिनावधिरेखा एषापि एषापि वस्तुतः प्राचीनकवितायाः विशिष्य विशिष्टं वर्णनं वर्तते तस्य विरहदिनावधिरेखाः प्रोञ्छन्ते जलदेन प्रोच् प्रोञ्छन्ते वर्षाकालस्य तस्मात् कारणात् समम आयुरेखया समं एतत् प्रोञ्चते यतः विरह दिनावधि रेखाः याहतेन उत्कीर्णाह आसन तया उत्कीर्णः आसन ताः एव जीवित जीवितस्य आधारभूतः आसनहलिकवद्वाः तर्यत सहोक्तिलङ्कारस्य अत्यन्तं सुन्दरम् उदाहरणम् एतद्विंध्यस्य वर्णनमस्ति तत् नभटामः अ <coughs> तत्र आधुनिक कवितानाम दोषेभ्यः विहीनः अयम् कविः पारंपरिक कवितायाः गुणैः सुशोभितः अयम् कविः परन्तु तस्य एषः विशेषः नास्ति यत् केवलं एतावति एवतस्य सर्वं वैशिष्ट्यं वर्तते केवलं तत् परम्परायः सर्वुक तो क्रिय परंतु सर परंपरायां बहूं नवीना वस्ूनी तज्जातीयिषं वर्त है तज्जातीय तेन संवृध्यपुरातनवचो युक्ति भूयसा प्रयुंजाना कबीर वैशिष्यम एक वैशिष्यम ये तज्जातीय का नवीना भूयांसह वग्योगा संतक्षिता सो एतत् कर्म वस्तुतः अतीव दुष्करम् यथा मया पूर्वमपि उक्तम् अस्माकं काव्यपरम्परा अत्यन्तं प्राचीना अत्यन्तं समृद्धः अस्ति तस्मात् कारणात् तत्र किञ्चित् नवीनं प्रत्यग्रं वयं चिन्तयामः इति कठिनं कार्यमस्ति एतस्मादेव कार्यात् भयं कुर्वाणाः आधुनिककवयः वस्तुतः नितरां नवीनं विषयं परिचिन्वन्ति अथ च नवीनं शैलीं परि त परंतु एतेन या यानी वस्तुनि अ प्रसंवर्धितानि तानि अपरिचितानि न सन्ति अन्य नवीनह कवय ये नवीन वाचो युक्तिः प्रयुञ्जते ताह उपते हि सनातन शैल्या सह कथञ्चि दूरतां प्राप्तः भवन्ति तस्मात् अपरिचय अपरिचयवशात् तथा रस्या न भवन्ति Uh, यथा न संस्कृत कविता परंपराया लिखिता कविता पश्यु यहाँ मुष्टिर्वासरम्ल से मतंडदंडकमश्लोक मुष्टिवासरम्ल आद्य कीदेश अस्त सूर्य वारम मुष्टि अहम न चिंतयाद उपम कदाचि आदस् आदित्य प्रयुक्तपूर्व सिया नासाग्रस्थितकोपानामीतेषां भिशजाम सखी वैद्युपहासकलिकायः श्लोकः यम नासाग्रस्थितकोपाः भिशजह सन्ति अत्यन्तं कोपनशीलः सन्ति तस्य कृते संस्कृते मया कदाचित् मनोदृष्टा कंठो देवस्य कामारे सर्वागमरहो निधि अतच कच्छप भूतः भगवान वर्तते तस्य पृश्ठे तस्य पृश्ठे पृथ्वी भ्रम्यति अस्य कृते उपमानमानयति सह भ्रमरक् तो स्पिनिंग प्लाई यद्वभति लट्टू हिंदी भाषयम कथ्यते तस्य तो कृते तत् उपमानतये सह आनयति अचच नवीनानि नवीनः श्लिष्ट शब्दः अपि परिलक्षितः प्रायः कवयः किं कुर्वन्ति यत् स्नेह इत्यादि शब्दाः ये प्राचीनः चिरंतनाः शब्दाः सन्ति श्लिष्टाः तेषां एव उपयोगेन उपजीवती परंतु एक अतीव नवीन सुंदर विशिष्ट कार्यमन कृत ये श्लिष्टा शब्द सूच्या केचन नवीना शब्द अभी संवर्धिता सी यहाँ द्वैपशब द्वाईप द्वीपवाची अभी द्वीपसंबंधी अ दैपम गजानन संबंधी अभी द्वैपम अच्छा द्वीपसंबंधी अभी द्वैपम अर्था द्वीपयन व्यासा गणेशस्य अपि वाचकम् अत एतत एततुपयज्यसह कीतसुन्द तेतसुन्दरम् लिखति साभारती कथा जियात याम वाच लीलेक्ष द्वैपम महो महोदग्र प्रतिभा ग्रथित आशयम् चित्रनेषदस्य विशिष्टमस्ति वैराग्य साधना काचित दिवा रात्रं प्रवर्तते गायनानाम गायका नाम निंदाम कवि करोति वैराग्य शब्दस्तु वर्तते परंतु वैराग्यस्य रागराहित्यम इत्यस्मिन्नर्थे संगीते यह राग वर्तते तद्राहित्यमभी तद्राहित्यमभी कुछ प्रयुक्तम स्यात कवि भी प्रारंपरिक कवि भी इति अस्माभिर नदर्श्यते तरही अयम कवि परंपरायाम सर्वथा स्थितोपि सर्वथा स्थितोपि परम पराया विस्तारम अपिकरोधी तथा सच विस्तारस तथा अस्ति यथा अपरिचयह न आगच्छेत तद्दा तद्जातिय कानि एव आभरणानि ते संस्कृत संस्कृतस रस्त्वत्य इ संस्कृतकाव्यस रस्त्वत्य दियेते अस्य अतीव वैशिष्ट्यम् वर्तते अतच पारंपरिक कवि भ्योपि सह क्वचित क्वचित भिद्यते भिद्यते इति कथय तुम न शक्यते अतिशेते अतिशेतेतान काव्यअर्थस्य प्रत्यग्रतायां सह नितरां अतिशेते नवीना नवीनः काव्यार्थाः तेन तदत्ताः सन्ति यथा यथा अत्यन्तं मार्मिकं पद्यं सह लिखति स्थविरः यः अस्ति दीप दीपर्णन कुरस्ति परंतु स्थ सोक्ति वस्तु सामसोक्ति महिम स्थवि वृद्ध से आधुनिका अथवा गेहवादमें वृद्ध से का स्थित स्नेहोपचारलिपो मंदग्न कंपनान से सूर्योदय दर्शनमें लाभ स्थवीर दीप से मूर्षो वृद्ध से छति ही दीपसे युववर्तते कश्चिदा बिस नेहम न करोति तदा तो, तस्माद कार्ना दीपहा बिस नेहो उपचारम तैलो उपचारम इच्छति स्थाविरहस नेहम नेहस्ते उपचारम नेहम उपचारम चो उपचारम अभी लिप्सति लिप मंदा भवति दीपहा मंदा अग्नि रोगेना भवति कंपमानो भवति मुमुर्शुहु दीपहा तथा थविदीप यदि रात्रिपर्यत ज्वले तस्ते महाभ है स्थविरोपी अत्यम मुमूर्षु वृद्ध यदि आगामन सूर्योदय पश्येत महां लाभ पश्यत कीदृशी कविता वाट पोयट्री वाट पोएम पिबता प्रियाधपीत मकर मधुकन दिवसाते कमल दल सधुकिो न लक्षण समयः तथा नी या मैचिता पढ़िं शक्यां दुर्गत अर्थात दरिद्र वर्त पार्श्वे दीपे स्नेह स्नेहम स्ने पात धन नस्म कार धूमेवस्थम किमर्थम अस्थते कवि कथम यता स्नेह ध्रुए कुटुंबा दुर्गताए थ व्यथया एवं शंकते यत् व्यथया प्रायः एशः दीपः निश्वासमि मलिनम् निश्वासमि वा उच्चसदी एतद् पश्चितु भिषक्पाशम् प्रयुञ्जानः पर्येतपतिरंजसा भिषक्पाश शब्दे यहां श्ले, श्लेशः वर्तते सह त्यंतम् व्रदयहारी वर्तते पाश अप्रत्ययः दुष्ट भिषक् भिषक्पाशः दुष्ट भिषक् अस्ति अथ च भिषक् वस्तुतः पाशः वर्तते परेतपत्युः कृते परेतपतेः कृते सः यमराजः कृते यमराजः अस्ति यमराजस्य कृते यन्माध्यमेन सह रोगिणां प्राणान् कण्ठस्थान् अपकर्षति अन्तिमम् एतत् पठामः शिवः वर्तते सन्ध्यायां नर्तितुमिच्छति नृत्याय इच्छन् शिवः दिगम्बरः अस्ति दिशः एव तस्य वस्त्राणि सन्ति नर्तितु मना शिवः सर्वाः दिशः पश्यति परन्तु सर्वास्वपि दिक्षु किञ्चित् किञ्चित् के, केचन दोषाः सन्ति ये तद् दोषा दोषकारणात् शिवस्य पार्श्वे नर्तनाय कश्चन कश्चन किञ्चित् वस्त्रमेव नोपलभ्यते एतत् अत्यन्तं कल्पना कवेः विद्यते विद्ये द्नेयी अग्नि आग्नेयी दिशा दग्धा अस्ति अग्नि अशी अग्निसंबंधवा्रिया सपदवी विकलया वायवी दिशा स्थिरा भवति वारुणी आर्द्रा याम्याम् अमङ्गलता अमंगलता याम्याम् अभिलाषः नास्ति नैऋति अमंगला वर्तते कौवीरी आढ्यानुरूपा नास्ति तस्मात् कारणात् सध्या नर्तार हवासश चयने त्रंबका हताशा हजायते तरही सह त्रंबका अस्मान अव्यात इतत का, कल इतत काव्यार्थस्य प्रत्यग्रता प्रत्यक्षता अपरिचयता यहाँ अभाव पुरुष पुरुष तरण तथा भवति सनातन कवि पारंपरिक कवि तेन न एवं ना नव विषया न गृहता नवा विषयाण ग्रहणे अभी तेषां विषयाणां कृते सह सनातनं शाब्दं परिधानं कल्पयति कवितायाः तेन कारणात् नवीनाः अपि विषयाः चिरंतन कवित्वकूटौ प्रविशन्ति यथा यथा कोरोनां वयं जानीमहे कोरोनाम् अधिकृत्य बहवः कवयः लिखन्ति परन्तु एतस्य काव्यं पश्यन्तु Uh, तथा इधर किरीट कीटाष्टोत्तर शत नामावली तेन का, 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 का चिल्लिखिता किरीट विष कीटाणुश्चीन देश समुद्भव नासाग्रगृह मेधी श्वासा निल अंगरक्षो यमस्याद्य स्वास्थ्य द्रविण तस्कर अपाय जरा ज्वरानलन्वे, ज्वरा नल नवेन्धनम तरी ये ये साहित्यिका सामाजिका सी ते भेद सम्यक्तया ज्ञाती ये कवय ये कवयं नवान्षयान अभिल्य अथ चन कवीनालिखित अनयर उभर मध्ये निप, निपुण प्रागुण के तेन सर्वम आ, 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 फिल्म इंडस्ट्री विषय सह लिखति परंतु तथा लिखित के, यहाँ किचि चतुर्भाव विराजते तेन किम किम कृतमस्ति यथा वै येन सह येन सा कविता प्राचीन कविता वत् भासताम् यथा वैयक्तिक नामानि तेन चिरंतनानि कृतानि सन्ति शेखर कह वर्बर कह इत्यादि पारंपरिकाणाम् उपमानानां प्रयोगः विहितः यथा नापितस्य कृते सह कथयति पृथुरिवक्षिति मंडल रक्षणे मघवसू निर्वेश विमोचने इत्यादि पुरातनानां वाचो युक्तिनां प्रयोगः विहितः यथा यथा चित्रनिषदे दृष्टम शक्यते क्रिकेट क्रीडा क्रीडया सह अत्यन्तं दुःखितः हस्ति सर्वं व्यापारं सर्वः व्यापारः नश्यति तस्य कृते सद्योनिमीलिता शेष व्यापारः सरसीरुह यत्रक केडित क्रीडा जड्य निद्रा निशानृणाम तर् यद्यपि क्रिकेट क्रीडां वर्णयति सह परंतु तस्य idioms and phrases are so तथा परिचितः सन्ति यथा वयम प्राचीन कवितायाः पारंपरिक कवितायाः सौंदर्यम् तत्र तत्र द्रष्टुम् सर्वत्र शक्नुमः अधुना पश्यामः तस्य कवितायाः विशिष्टानि विशिष्टानि वर्ण्यानि कानि सन्ति तानि विशिष्टानि वर्ण्यानि तानि एव तानि एव सन्ति यानि पारंपरिक कवितायाः वर्ण्यानि भवन्ति बाह्य प्रकृति आ, बाह्य प्रकृति प्रकृतिश चित्रांकनम् अस्माकम् पारंपरिक कवितायः संस्कृत कवितायः विशिष्टता एवं ज्ञायते यत् संस्कृत कवितायाम् बाह्य कवित् बाह्य दृश्यस्य बाह्य दृश्यानम् तक्रते दृश्यानम् प्राकृतिक के दृश्यानम् निसर्गस्य वर्णनम् अतितराम् भवति सह अस्माकम् कवव्य अपि अत्र एतेन कवे कविहि सप्तस्य निरभयतायाश्च द्योतनं भवदी। वातायनस्य यथा एकम श्लोकम पठामा। वातायनस्य वियतो वारित पटली पटमी प्रकटी क्रियते शरदा क्रमेण मुखमेण धारबिम्बम्। यथा यथा काचित् नाइका वातायनमुद्घाट्या स्वकीयमुखम आविष्क तथा शरत नायिका वारित पटली पटली पटम किंचित किंचित अपवार्य वियद्रूपिण वातायन वारित पटम अपवार्य स्वीय ईणधर बिंब चंद्रूपिण मुखम सह प्रकटी अध्यान काले Uh, किंचितिभत्स भयानक दृश्य उपस्थप्य उपस्थाप्य है कविना निबिडा जगर विवेशन दुखितव सीरो मध्या मृदुलालचलित देवा देवा नाम, नमस्कार दमस्कारपरा पद्या अथ च वर्णनपरा पद्या भूयांसी सी तथा भा, ोपगूता सोनी सर्वा पूजा उपयोगर्हां तेन बहुत काव्या लिखिताव हर विशति नारायणीस्तुति इदी काव्या वर्तंट एक पठा भारावतलोकत भारत स्तवत अनैर विषयी प्रकाशे काष्ठा प्रयाति भव बांधव चक्रशोके चक्र शब्दे श्लेषः वर्तते सदर्शनीय संकोचमावहति जीवित पंकजे ताम संध्या नटम प्रकटमप्यवलोक संध्या नट शिव वर्तते कवे जीवन संध्या आगता इति इति निभाल्यते तेन प्रकाशः प्रकाश शनै गच्छति बंधवा हा शोकाकुला हा संति संध्यायाम अप्येतदेव भवति अक्षनो हो प्रकाशा हा अभिशय अक्षनो हो प्रकाशा हस शनेशनेशनश्चति चक्रवाका शोकाकुला हा भवन्ति बंधवा हा यथा मृत्युकाले शोकाकुला हा भवन्ति जीवित पंकजम संकोचमावहति पंकजो भी संकोचमावहति अस्मिन काले हे शिव हे संध्यानटा तथा करो तु यथा भवन्तमहम प्रकटम अवलोकयैम संध्यायाम प्रकटम अवलोकनं भवेत भवतां सह वस्तुतः भारत्याः आभरणभूतमेव वर्तते तत्काव्यं भारत भारवतारस्तवं पंचाशश्लोकात्मकः तस्य काव्येषु विविधाः विषयाः विधा रसाः सन्ति येषु विडंबनम् अधिकं दृश्यते विडंबनम् Uh, समाजस्य वैशिष्ट्यम आलक्ष्य कवि uh, कव विडंबनम uh, भवति अस्माकं कवि अत्यंतम भावुक भावक हस्तीति प्रतियते जीवनस्य सर्वासु सर्वेषु क्षेत्रेषु तत्र तत्र, तत्र या विषमताह उपलब्ध्यन्ते अनुभुयन्ते ताः सर्वाः अधिकृत्य सह आनीय सह सकियास कवितासु आरोपयति ये ये विषय पाशो पहासा हवती वेद्यो पहासा कलिकायाम ये ये दुष्टाह विषय जहसंती तरहिते लोकाही रपरमार्च लोकहन जानात यह आयाम चिकित्सा कहवरते वर वस्तुतः चिकित्सा कह तथा दुष्चिकित्सा कहवरते यथा स्वयं येव रोगानुत्पाद यति स्वयं येव चिकित्सति स्वयं येव च धन धनानि हरति रोगा चिकित्सा चिकित्सा नु ना केचि सुश्रुता सी अत्यम दे आर सो फेमस केचन वग्भा सी केवल वद्याम कर्त शक्नोमी अहम मृतमी जीवयिं शक्नोमी इत्यादि सर्वे चरका वैद्या वैद्या चरका सभी भक्षका सीधा भक्षणपरा सी रोगि विरलास्त चिकित्सा वस्तुत चिकित्स कॉपी नाइस एतदपि काव्यम अत्यम कलि विडंबन अत्यम सुंदर वर्त है नव्य कवि निंदा परा पद्या अस्म कथिता काव्यचोर निंदा राजपुरुष निंदा निंदा यथा कविना प्रायः अनुभूत सैदतीव <laughs> एतदतीव काव्यचूर काव्यचोरस्य निंदा पद्यम बद्ध मया निशि मया रात्रौ किंचित पद्यम लिखित यस्म पद्ये काव्यचूर से निंदा परंतु सह काव्य चोरस तथा चतुर यथा हम पश्यामि प्रातः स एव श्लोक काव्य चोरेण पथा सभा पठ्यते अर्थात सह रात्र uh, मत काव्यम चोरय प्रातः सर्वेशा पुरतः तदेव काव्य चोर परम काव्य चोर निंदा परम श्लोक पठती सत्व्य उपेक्षाया उपेक्षा मध्य कृत्य विलाप भवति तानी बहुत विद्यंते अस्माकं कवः परन्तु अस्माकं कवेहे एतत अतीव वैशिष्ट्यं यद् वर्तते यद नूनमेव कथयितव्यं सः आंतर जगतः हृदयनम हा, भावनामकत्रमि चित्रणं वर्तते एतत तद् वस्तु वर्तते वर्णनीयमस्ति यत् पारंपारिक संस्कृत कवितासु अपि पारंपरिक संस्कृत कविता, कविता बाह्य प्रकृति चित्रण चित्रणे अत्यन्तं दत्तावधाना दृश्यते परन्तु आंतर जगत आंतरजगत कदाचि कालिदास कदचि वाली कदाचि प्राकृत आगछति सौभाग्यमस्ति कवि सद्यस्कत अस्मक सौभाग्यमस्त अस्म एक काव्या यथा त्वया यहाँ तवया मदंग रोहंती काले न कक्षता एतादृशा पद्या तस् मुक्तु सूक्ति मुक्ता कलापे अथ च मथुराभ्युदय काव्ये अत्यम सम्यक्तया बहुलतया द्रष्टुम शक्य काचि गोपी कथयती का संभोग काले हे शौरे हे कृष्ण यानी न कक्षता मदंगेशु कृता रोहंती सम्यक भविष्य परंतु तो विरहवशाद मन मम अंतरंगे ममचित्ते विरह व्रन्ध संजातः सह कदाचिदभी रोहणीयः नास्ति तो कदाचिदभी चिकित्सितव्यमः नास्ति तो नास्ति सह व्रन्धा चनात चनम् नूतनातं प्रयाति सतो त्यंतम् वर्धते एव। श्रीकृष्ण वर्तवते परमात्मा तस्मा सर्वा सर्वा, सर्वा शब्दराशि उदीयाय निर्गता वर्त है परंतु यदा राधायादेश वचना तदा कवल हुम एव जाना अर्थात केवल एसर्शन जाना केवल जाना ये अहम क्या अनेक बहूँ विद्य कित शीघ्र चला अस्माक गतप्रायः शब्दालङ्कारसौभाग्यं वयं सर्वत्र तस् तत्र पश्यामः वस्तुतः शङ्करकविः अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षी वर्तते कविताः अधिकृत्य सर्वत्र तस्य तत्र तस्य काव्ये वर्णानां साङ्गीतिकता पदानां मैत्री मैत्रीवाक्यानां सन्दर्भशुद्धिः दृश्यते यथा अत्र काव्ये मन्देतरानन्दमूलं मनसि वन्देतरामिन्दुलेखावचूलं भूते शमाशा दुकूलम प्रणव पूते शयालुम पदे सप्तशूलम पश्यत यत् सुंदरम कवित्वम अमूक मंडूक महंस संस निर्जीव राजीव मशंक कंकम अंभोद काले काले न शरो सरो वराना मदीन पाठी न मकारी वारी भवंता केवलम शब्द सुंदर ये नहीं वा मुक्ता भवितुम शक्तु अंति मुक्तानाम बंधनों बंधाना बद्धाना तुनो गोपक ग्रामणी रामणी अथ तो चंदनो गांधी मरुलुित कीतन प्रपेदे मृगतृष्णाभस्तटिनी की प्लव पाटव मधुराभ्युदय से पद्यम अर्थालु तरक अत्यंत रोचते मथुराभ्युदय से एक श्लोक रूपकपर दृश्यता अक्रूरो यम सौरथो यम मदसैरिभ कंसादेशो महापाशो राधाया जीवित हरि राधाया जीवित तथा नियतय क्रूरेण यथा यमः यमः मदसैरिभे स्थित्वा महापाशे प्रबध्य जीवितं कस्चित नयति शक्तिसूचिं पुरुषकृत्य प्रपंचमणिसंततिम प्रविष्टोपि बहिष्टिष्टं जियात् शिवमयो गुणः अत्र श्लेषोपि दृष्टव्यः शिवमय गुणः इत्यस्मिन उत्प्रेक्षा अपितस्य अत्यंतम रुचिकरी प्रतिभाति यथा नीचे सिद्धान्म पद्यम पश्यामा पुनरेक्षु दलन क्रीडा व्याजीन जनक द्विशा हं मंतन धनुन शिकामस्य स्त्रेयसु वोस्तु विगनजित गणेशा पुनरेक्षु भक्षण परहवर्ते कवि उत्प्रेक्षते यत पुनरेक्षु धनु हुवर्ते धनवा वर्ते कामा कामस्य धनु हु इतिकत्ता प्रायः पुनरेक्षु दल्लिते दलती विगनजित हेतुत्प्रे� സ്വഭാവോക്തി അലങ്കാര ജാതി അലങ്കം സമ്യക്യാ തീർഹ് വയം പശ്യാ അത്യന്തം സമ്മർദ്ദയുക്ത സാക് കലം കഥാ കഥിത് പമത്തെ ഗോഷ്പദസിം പാതു മസൗ ശകട സേ മാർ उचित क्षण याता काकयुवा अथ चनर से बाल वर्त शिशु सह पथिक क्षुत स्नीजिंग आकर्ण्य मातु उत्संग ग धाराजलाद्रशिसो दुर्गत पथि काननी व्रजत क्षुतमाक्यस्तो मर्कटशिशुरे मातुरुत्संगम समासोक्तिम पश्यन्तु भद्रे मुरलि नमस्ते यामे कांते क्वचित आनंद तुंदिल मना स्मरति न भुवन त्रयी भरण खेदम अत्र कामिनाम कामिनो हो कस कयो हो आ, कयो हो विवरणम भवति पर्यायोक्तालंकारः उपमालंकारः श्लेष समुच्चयो हो संकरः समुच्चय योगों संकर है, उत्प्रेक्षा रूपक का योगों संकर है। हम चिंता, हम भव्यामीयत समय है, काल है, अतिवर्त्ति शीघ्रमी वसमापयानी। रसन योजना जैसा भव्यामीयत रसन योजने किंचित काचे विशिष्टता वर्तते संकर कविहै सा हाँ कशिद विवक्षति दिखता है। सा हम विहार नॉर्मल टाइम। भवतु समापय भयानक विभत्सरसयो हो रुचि ही तत्र विद्यते विभत्सरसस्तस्य तथा प्रिया यथा श्रृंगार विभत्सयो हो संकरह अभिकराचित शंकरेण क्रियते अनिमेष अध्वयम अवशिष्टम कथयाम प्राकृतक अब वर्तरा प्राकृतकता सद्यस्क अनेन प्रारब्ध प्राकृत भाषाया यशिष्टता वर्त वर्तंत विशिष्टता उपयोक्त प्राय प्राकृतकता अन कविनाध यतश्लेशोत्थ विरोधा अने हरिण गढ़ूरम चुंब वर्ण कंठे गोवी जनसिठा धिठ्ठीपुर जसोवाए सरस्वती वर्णयति सह निक सकला सा, नाना वर्णोज्वला शुभ्रांगी अस्त बोधमयी अभी दुर्बोधा सा वचन देवी अस्मा रक्षत साखलाचा पाण्णाम वर्णुजला शुभ्रंगी बोहमयी दुव्वू विपासो वर्ण दी साकता अयम शंकर महान अंश्चिचनात्मक अस्माक पार्शे अस्य अस्ए अहम बहु नजा कारदि कारण ये मैं अयम अनतर यत् यहां अत्यधिक अस्ट विषय वक्त न पारे ये। परंतु चित्र नैषध काव्य अ भूमिका मैं लिखिता तत्र सम्यक्तया तदर्शित यु पूतना कवीनापेक्ष चित्रक भिद्य कि भेद विशिष्ट अस् चित्रक पुरातना नाम चिंत्रकता नाम कविताव क्लिष्टा दुर्बोधा नीरस न सी चिंत्रकता रसस्य रसस्वेश निवेशः अस्याः चित्रकवितायाः अत्यन्तं विशेषः वर्तते भवन्तः चित्रनैषधं पठितुं शक्नुवन्ति तत् उत्कृष्ट उत्कृष्टं काव्यं वर्तते आवश्यकता नच्च भवन्तः जानन्तु एव केवलं रस रसदृष्ट्या पठि शक्ति तत्त विशेषस्थयांस बंधा भूयांस यमकूयांस यमकव्या तेन लिखितानि सन्ति तरी अधुना सपयाम एक अस्कंक न सामकवी वर्त है उपरी गु वर्णनेशु द्योतितं भवति द्योति कृते वस्तुतः कविता कवल प्रेयसी इव अस्ट पर शंकर कवे सा धर्मचारिणी इव अस्ति एति जातु न नः जा व कविता प्रतीक्षिता सव शंकर्देशने संस्थित सहधर्मचारिणी सा सहधर्मचारिणी भार्वर्त शंकर, साध, शंकर यहाँ तय शक्नो दी। तरी नस्मक कवि सामक दिवत्र द्विचिविता परव्युन्मान अयम कवि अस्य काव्यन माध्यमः हर निषम असंभादम असंबाधम वर्धताम भवित वर्धतामेतत् वयम् परमेश्वरम् परथ्यामहः यतः अयम् सौभाग्यभूतः आधुनिक संस्कृत कवितायः इतस्याह कविता यह कविता, कविता नाम आस्वादनीयन वयम् संस्कृत ग्यते न आ संस, संस्कृत पठनम् अस्माकम् धन्यम् भवति इति इत्येव अस्माकम् मन प्रणमन सर्वान् धन्यवाद सर्वान् सभाजयन एत, एतमवसर उपकल्पितवते सर्वेभ्यो उपकल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यो धन्यवाद सभाजयन विशिष्य अस्मदीयम् अग्रजम् शंकर कवींद्रम् प्रणमन विरमामि तेन अवसर उपकल्पितः यत् तस्य विषये किंचित् अहम् कथयेयम् अहम् चिंतयामि यत् तस्य प्रतिभा प्रतिभायाः कश्चन अंशः कथंचि उद्घाटि सैत् धन्यवाद प्रणमा सर्वेभ्यो नमा